दोस्तों तो मेरे नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। देख सकते हैं आज हम आए हैं मऊ जंक्शन। तो देख सकते हैं मऊ जंक्शन की खूबसूरती, यहाँ पे ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, हर स्टेशन पे या फेमस स्थान पे तिरंगा लगाने का ट्रेंड चल रहा है, तो बहुत अच्छा है। चलिए दिखाते हैं। तो देखिए बहुत गर्मी है, धूप बहुत, तो इसके चारों तरफ का देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लोकेशन है। और देखिए मऊ जंक्शन का देख सकते हैं पहले से बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया गया, बहुत पहले इतना साफ सफाई नहीं रहता था, ये भी लग रहा है लगभग जल्दी ये बना है। तो चलिए दिखाते हैं आपको, ये भारत माँ का झंडा, जैसे हमारा तिरंगा हमारी जान देख सकते हैं कि है। तो ये मऊ जंक्शन पे लगाया, मतलब कि हर जंक्शन पे, भारत के हर जंक्शन स्टेशन रेलवे स्टेशन पे लगाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे पानी टंकी है मऊ जंक्शन का, जिसका आयतन 34,947 लीटर है। और यहाँ पे देख सकते हैं अंदर सिस्टम बहुत अच्छा है, तो अच्छा है, देख सकते हैं वहाँ। चलिए एक्सीलेटर पे चलते हैं, मऊ जंक्शन के एक्सीलेटर को आपको ब्लॉक बना के दिखाते हैं। मेरा मऊ जंक्शन देखते हैं कि हम लोग अब इस मऊ स्टेशन पर आ सकते हैं। टिकट हाल क्षेत्र है, तो इस साइड भी बहुत सफाई पर ध्यान दिया गया है। तो देखिए इस साइड टिकट कटता है, टिकट मशीन भी लगी हुई है, तो यहाँ पर टिकट भी कटता है, तो ऑनलाइन टिकट कटता है। और देख सकते हैं आगे आगे क्षेत्र जो है, देख सकते हैं उधर भी खिड़की क्षेत्र है, खिड़की टिकट कटता है वहाँ। और देख सकते हैं वहाँ पे पूछताछ केंद्र भी है, जो पंखा चल रहा है। और आगे साइड प्लेटफार्म नंबर 1 प्लेटफार्म नंबर 2 के लिए रास्ता है, तो आगे साइड जो जाते हैं प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 के लिए। चलिए तो चलते हैं एक्सीलेटर साइड। ये तो 3 साल हो गया है एक्सीलेटर लगे हुए, तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा है 47 सीढ़ियाँ एक्सीलेटर, प्लेटफार्म नंबर 2, 3, 4 पे जाने का रास्ता। तो इसका देख सकते हैं कि एक्सीलेटर का काम ख़त्म है, हमेशा बंद ही रहता है, कोई मतलब नहीं है। चलिए चलते हैं थोड़ा सा ऊपर आपको। क्या बस